एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NLCIL के बीच खेला जाएगा। ये बॉल क्रॉस गई खेलने के लिए हवा में, एक बार फिर नीचे फील्डर है, आपकी बार गलती नहीं, पहली विकेट का पतन। अंदर का बॉल था और उसे खेलना चाह रहे थे, जैसे मिड विकेट एरिया में बॉल बल्ले में लगी और ऊपर चली गई और कोई गलती नहीं करी उस कैच को लेने में, और इस प्रकार से पहली विकेट का पतन। ये देखिए तो विकेट नंबर दो यहां पर गिरते हुए। तो फिलहाल यहां पर छह रन के लिए खेला, सौ रनों का आंकड़ा भी पार होता है शेखी की मदद से। 104 छह रन, बढ़िया शॉट, बहुत देर बाद ताला छक्का उनके बल्ले से। एक और छह रन ये लीजिए, और हाफ सेंचुरी पूरी पीयूष की। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे अर्धशतक की दहलीज पे रोहन है और वो अर्धशतक जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन जी नहीं, जैसे देखा ये ओवर पिच बॉलर फ्रंट फुट निकाला और इस बार मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर बढ़िया पुल, और ये छह रन के लिए जाएगी बॉल। जी हाँ, फ्रंट फुट पे जाके पुल लगाया, अंपायर का इशारा, छह रन। ओ आखिरकार विकेट मिली, छोटा बॉल नीचे रह गया पड़ने के बाद, रोहन आउट। 38 गेंदों में 70 रन बनाए और एक पार्टनरशिप जो थी 141 रनों की आखिरकार वो टूटी। और यहां पर एक और विकेट का पतन आखिरकार। कैच होगा, जी हाँ होगा, और रोहन यहां पे पीयूष को भी वापस जाना होगा। दो सेट बैट्समैन आउट, एक समय तो विकेट नहीं मिल रहे थे, मिले तो दोनों के एक साथ, दो सेट बैट्समैन आउट। ये बढ़िया शॉट मिड ऑफ के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से, दो रन मिलेंगे। बल्लेबाज दीपक खाता खोला और रन आउट हुए, दूसरा रन चुराने के प्रयास में। पहला रन तेजी से गया और यहां पे समझ में नहीं आया, दौड़ तो अच्छा रहे थे, तेज दौड़ रहे थे, लेकिन रवि की तारीफ करनी होगी, उन्होंने जो थ्रो किया कीपिंग एंड पे, और सबसे बड़ी बात यहां पे बल्ले को ड्रैग करते हुए नहीं गए, बल्ले को ड्रैग करते हुए जाते तो बच सकते थे। अच्छा शॉट, ये एक रन, दूसरा भी मिलेगा और देखना तीसरे के लिए जाएंगे। तीसरे रन के प्रयास में आउट, 94 रन। एक 195 रनों का लक्ष्य अगर ये मुकाबला जीतना है। जी हाँ, क्रॉस कर रहे थे पहले ओवर से ही, इस प्रकार का प्रयास कर रहे थे, सीधा बॉल घूम के क्रॉस गए खेलने के लिए और गेंदर बल्ले में संपर्क नहीं, बॉल पैड से टकराई, पहली विकेट का पतन। LBW की जोरदार अपील, विकेट नंबर दो, फ्लाइटेड बॉल बैकफुट पे गए खेलने के लिए और बॉल सीधा स्टंप से टकराई, ये देखिए कहां चले गए थे खेलने के लिए, रिप्ले में आप देखेंगे। दूसरी विकेट का पतन, शिवा बालन भी आउट। ये बढ़िया शॉट हवा में और छह रन है, चार रन ये देखना होगा, चार रन। ऊपर का बॉल, बढ़िया शॉट, खामोशी को तोड़ा इस शॉट ने, बहुत देर बाद ये बाउंड्री आई। छह रनों की पार्टनरशिप, अनुपाई ये बॉल बोल्ड, आते ही हम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। ऊपर का बॉल थोड़ा सा क्रॉस गए खेलने के लिए और बॉल और बल्ले के बीच से होती बॉल स्टंप्स को लेती हुई चली गई, विकेट नंबर तीन। बढ़िया निकले हवा में, बॉल अंदर गिरेगी या बाहर, ये बॉल बाहर, सीधा उन्होंने इस बॉल को मिड विकेट एरिया में खेला, डगआउट में, टीम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इसी के साथ 50 रनों का आंकड़ा भी पूरा,
ये देखिए क्या बढ़िया निकल के गए और अच्छा बॉटम हैंड अच्छी लगी बॉल बल्ले पे बीचों बीच। एक बार फिर बढ़िया शॉट और बॉल एक टप्पे के बाद दो टप्पे के बाद तीन टप्पे के बाद चार रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर क्रॉस गई खेलने के लिए। जी हाँ ये अब कह लीजिए कि थोड़ा सा पारी को एक्सलेट करते हुए ये लीजिए हरियाणवी छोरा काम कर गया। आप फ्लैट बैटेड शॉट कॉटन बॉल दीपक बेनीवाल हंसते रहते हैं हंसने का और मौका मिल गया। यहाँ पर ट्रिपल ट्रैप शूटिंग में पुल के लिए गए थे और यहाँ पर एक और विकेट दोनों साइड बैट्समैनों को चलता कर दिया। हरियाणवी छोरे ने हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और हरियाणा के खेलों की बात कर रहे हैं 2008 में जो है कोट भी आई तीसरी विकेट इस ओवर से हैट्रिक तो नहीं है लेकिन विकेट नंबर तीन ये हवा में क्या कैच होगा या नहीं बिल्कुल होगा। और ये लीजिए मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां तक ये लीजिए अपना शो समाप्त नहीं हुआ। यहां पर दीपक बेनीवाल ने अच्छा कैच पकड़ लिया विकेट नंबर सात पहले तीन विकेट और उसके बाद ये कैच वाह घूम के गए खेलने के लिए स्क्वायर लॉग एरिया में पीछे फील्डर नहीं पहुंचेंगे चार रन शेष हवा में नीचे फील्डर ये लीजिए एक और विकेट विकेट नंबर आठ बढ़िया निकले लीजिए एक और विकेट का पतन। यहां पर बेनीवाल ने ये चौथी विकेट निकाली यहां पर ये मुकाबला जीत लिया है। जी हाँ सेलिब्रेशन शुरू एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं अंपायर से हाथ मिला रहे हैं तो फिलहाल ये मुकाबला जीत लिया है। शायद अंतिम जो बल्लेबाज है वो आए नहीं खेलने के लिए नौ ही विकेटें यहां पर गिरी